टन काम कर रहे हैं, देख रहे G20 के तहत कितना पैसा आ गया। 9,990 का बजट था, 4,000 का कर लिया, 3,000 करोड़, 900 करोड़ था ना, 990 करोड़ था, 4,041 करोड़ खर्चा कर दिया, 3,000 करोड़ कहाँ गया मालूम है? 2024 की तैयारी भी तो करनी है, इन अनभक्तों को चुतियों को पैसे भी तो बांटने कहाँ से आएंगे। ये इवेंट इसीलिए बनाया गया है, डंका बज रहा है, ये नहीं बज रहा है, ये देखिए क्या कर रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं ये लोग बिना सास के बात करें। आज अधूरी 990 करोड़ बाकायदे वित्त मंत्री ने उसको बाकायदे बजट पास किया था, और उसके अलावा जो भी जो साक्ष मिले, मैं साक्ष पे ही बात करूंगा, अब बिना इनके पास कोई साक्ष उसका नहीं, जब तक साक्ष नहीं है ऐसा कोई इतना खर्चा हुआ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़ घट गया होगा, वही वाला की बात है, कोई घर मेहमान जब आता है तो मैं चाहता हूँ कि मेहमान नवाजी अच्छे से अच्छे करने का प्रयास हर कोई करने का प्रयास करता है, कोई नई बात नहीं आज की। जो G20 आया, देखिए अब गरीबी खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो गई। सुबह हम टीवी पे देख रहे थे, इतनी ज्यादा गरीबी खत्म हो गई थी कि पर्दे के पीछे लोग रो रहे थे, उनसे कहा गया कि तुम अपनी छत पे नहीं जाओगे, इतनी ज्यादा गरीबी खत्म हो गई है। गरीबी नहीं खत्म हो गई, एक हमारे गाँव में एक रहते हैं, उन्होंने एक बार ऐसे कहा था कि ऐसी दवा दे दो ना मर्ज रहे ना मरीज रहे, समझ रहे, ना मर्ज रहे ना मरीज रहे, तो ऐसी दवा दी जा रही ना, गरीबी तो मिटाना असंभव है, गरीबों को मिटा दो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। गरीबों को क्यों मिटाया जा रहा है भाई भाजपा में, ये कहने की बात है, समझ गए ना, जैसे उन्होंने कह दिया छत पे मत निकलना। भाई अगर हमारा घर सामने कोई यहाँ प्रोग्राम होगी तो जाहिर सी बात, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही होगा, पर्दा डाल के प्रोग्राम होगा यार। आप अपने यहाँ शादी मनाते हैं तो उसमें भी पर्दा लगा देते हैं, क्या बात कर रहे हैं, पर्दा लगा देते हैं लेकिन पड़ोसियों से ये नहीं कहते कि तुम छत पे नहीं जाओगे, हम पड़ोसियों से ये कभी नहीं कहते कि तुम छत पे नहीं जाओगे, कभी नहीं मना किया गया। अगर हमारा उनका आना जाना नहीं भी है तब भी वो अपनी छत से देख लेते हैं कि इनके यहाँ क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। राहुल गांधी और अमित शाह जी में धरती आसमान का अंतर है, राहुल गांधी बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन है, बाहर से विदेश से उन्होंने इंग्लिश मीडियम, अच्छा राहुल गांधी बेहतर हैं, शिक्षा नहीं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या। और अमित शाह जो है मतलब बस ऐसे डाल मटोल, एक आदमी अनुभव से अपने आप को नेता स्थापित कर लेता है अलग बात है, एक आदमी ने पढ़ाई लिखाई की है उसके बारे में कुछ अलग अलग बातें, आसमान का अंतर है, बिल्कुल अंतर है, हम तो कहते हैं अंतर है, और जमीन आसमान का भैया, जमीन आसमान का अंतर है अमित शाह और राहुल गांधी में, बिल्कुल अंतर है भाई। देखिए हम ना पढ़े लिखे की बात करेंगे ना हम अनपढ़ की बात करेंगे, ठीक है, अच्छा जहाँ फंस गए वहाँ बात ही नहीं करेंगे, तो फंस करेंगे भाई, ना अनपढ़ की बात करेंगे ना पढ़े लिखे की बात करेंगे, जहाँ फंस जाएंगे वहाँ बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ये देश इसीलिए गर्त में गया था और फिर जाएगा, इसे कोई बचाने वाले है नहीं, ये खाली झुंझुना है, 5 किलो 10 किलो और ये सब चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब कह रहे हैं हम इसका जवाब नहीं देंगे, जो आप बता, जवाब क्यों देंगे, उन्हें क्या पड़ी है, उनका जो बिजनेस अपना कर रहे हैं 2-4 रुपए वाला अपना कर रहे हैं, उन्हें देश से क्या मतलब है, क्या है देश, उन्हें मालूम है कुछ,